Let me record the session and today we are going to discuss with you what we are going to discuss with you the Merchant of Venice. So I just shared whiteboard and I think it's visible also, and I have written what I have written, the Merchant of Venice. And this, the Merchant of Venice, सबसे पहला पॉइंट की इट पब्लिश्ड इन 1596। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की व्हेन यू टॉक अबाउट, तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है कि इट्स अ ट्रेजी कॉमेडी। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि किसकी है, क्या है, ऑलरेडी पता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का। इट्स अ ट्रेजी कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, COMEDY। इट्स अ ट्रेजी कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। इट्स अ ट्रेजी कॉमेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। नंबर टू पॉइंट, व्हाट इज द थीम। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले, रिमेंबर दैट की देर आर सो मेनी थीम्स बट द की थीम, इफ यू गो विद द की थीम, द की थीम इज व्हाट, द की थीम इज द कम्युनल हैट्रेड फीलिंग। द थीम of the play is communal hatred feeling। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, communal hatred feeling, ये चीज नजर आता है। Whenever anyone ask you कि what is the theme, remember that कि the theme of the play is communal hatred feeling, and this communal hatred feeling का मतलब ये हुआ कि सांप्रदायिकता के नाम पर जो एक तरह का आपस में घृणा है, उस चीज को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और ये जो communal hatred feelings है, किसके किसके बीच में चलता है, you will come to know कि यह जो communal hatred feelings है, it occurs between the Jew and the Christians। Next point, it occurs between the Jew and Christian। सो यू विल कम टू नो, ये जो कम्युनल हैट्रेड फीलिंग्स है, शेक्सपियर ने बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर को लिया हुआ है। अगर आपको याद होगा जब मैं ट्रेजिडी पढ़ा रहा था, तो आई टोल्ड यू कि ही टॉक्ड अबाउट द रिवेंज को लेकर उन्होंने बात किया। रिवेंज के अलावा शेक्सपियर ने, अगर आपको याद होगा कि उन्होंने बात किया है डिले इन एक्शन पर बात किया है, उन्होंने इविल एम्बिशन को लेकर बात किया हुआ है। उन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्ले जो ओथेलो रहा है, आप देखेंगे कि ओथेलो में जो उन्होंने बात किया हुआ है वो किस चीज को लेकर के उन्होंने बात किया है। ओथेलो में वो जो बात करते हैं, यू विल कम टू नो कि उसमें रेसियल प्रॉब्लम रही है। तो जो रेसियल प्रॉब्लम है, इवन इट एग्जिस्ट इवन टूडे। बट अगर आपको याद होगा कि उन सबके अलावा द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ऐसा प्ले है जहां पे उन्होंने क्या लिया हुआ, जहां पे उन्होंने कम्युनल हैट्रेड फीलिंग्स की फीलिंग्स को लेकर के उन्होंने बात की हुई है। और ये जो कम्युनल हैट्रेड फीलिंग्स है, इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने रखा हुआ है। और वह क्या चीजें हैं कि वह जो है, वह है कॉन्सेप्ट ऑफ लेंडिंग मनी on heavy interest, जो जो कैरेक्टर शाइलॉक है, ये आपको पहले से ही पता है कि वह लोगों को रुपया उधार देता है। देखिए, देर आर द टू वर्ड्स, वन इज लेंड एंड सेकेंड इज बारो। वेन आई यूज बारो, तो बारो का मतलब होता है रुपया उधार लेना, लेकिन जो आपको रुपया उधार दे रहा है वो जो है क्या करता है, लेंड करता है। तो मैंने वर्ड जो यूज किया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेंडिंग मनी, कि रुपया उधार देते हैं, और यह जो रुपया उधार देता है कैसे देते हैं, ऑन हैवी इंटरेस्ट। यह जो है
दिखाने की कोशिश की गई है, और किसको दिखाने की कोशिश की गई है कि ऐसा लगता है कि जैसे ज्यूज में ये चीजें ज्यादा रही हैं। जो ज्यूज कम्युनिटी थी, ज्यूज कम्युनिटी के लोग बड़े व्यापारियों में शुमार थे, और उन्हीं में से एक व्यापारी का नाम आता है जिसका नाम शाइलॉक है। तो मैं अभी स्टोरी नहीं बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू, बट मैं उस उन पॉइंट को आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव गॉन विद दिस प्ले, ऑलरेडी यू नो व्हाट द थीम इट हैज, ऑलरेडी यू नो व्हाट द सब्जेक्ट मैटर इट हैज, लेकिन मैं उन पॉइंट्स को लेकर के बताना चाहता हूँ जहां पे पूरा प्ले जो है मूव करता है। जहां पे एक एक पॉइंट आपका क्या था, कम्युनल हैट्रेड फीलिंग्स आती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट यू विल कम टू नो उसमें जो आता है, दैट इज व्हाट, दैट इज अ कि लेंडिंग मनी ऑन हैवी इंटरेस्ट बाय हुम, बाय शाइलॉक। तो शाइलॉक जो है यह एक रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, उस दिन मैंने आपको बताया था ना इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर। अब देखिए शब्द दो आ रहा है, वह रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कैसा है, इससे ये पता चलता है कि जितने ज्यूज हैं उनका नेचर ऐसे ही है, वे सारे के सारे लोग क्या करते हैं, रुपया या पैसा जो है क्या करते हैं, हैवी इंटरेस्ट पर लोगों को उधार देते हैं, यह एक मेंटेलिटी है, और सूद पर देते हैं या ब्याज लेते हैं, इस तरह की चीजें जो है वहां पे दिखाने की कोशिश की गई है। तो जो शाइलॉक है, ऐसा नहीं कि शाइलॉक एक ऐसा कैरेक्टर है जो या केवल उसकी आदत है, बल्कि उस शाइलॉक कैरेक्टर के माध्यम से परहैप्स शेक्सपियर वांट्स टू टेल द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्यूज कम्युनिटी, कि जो भी ज्यूज हैं दे आर लाइक शाइलॉक, वे सबके सब शाइलॉक जैसे हैं, और एंटोनियो जो है वह क्रिश्चियन है, और जो एंटोनियो है वह सारे के सारे क्रिश्चियंस एंटोनियो जैसे हैं, जो लोगों की मदद करते हैं, जो लोगों के लिए अपनी जान भी जो है निछावर करने को तैयार है। जैसे आप देखेंगे एंटोनियो जो है बैसानियो के लिए किस हिसाब से अपनी जान खतरे में डालते हैं। सो ये एक एक सोच है शायद, भाई देखिए मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ शायद, क्यों, कारण यह कि जब से डिकॉन्स्ट्रक्शन आया तो देरेदा ये कहते हैं कि आपको बहुत सारी मीनिंग मिलेगी, मल्टीपल मीनिंग आपको वर्ड यूज करना है, यू कांट गेट द फाइनल मीनिंग की बस यही है। तो जो शेक्सपियर का इंटेंशन रहा होगा, जो शेक्सपियर दिखाना चाहते हैं, फाइनली हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम उसके इर्द गिर्द पहुंच सकते हैं कि शायद शेक्सपियर यह भी दिखाना चाहते हैं, शायद शेक्सपियर यह भी दिखाना चाहते हैं। तो जो मैंने बताया शेक्सपियर क्या दिखाना चाहते हैं, एक तो कम्युनल हैट्रेड फीलिंग्स की बात करना चाहते हैं, किसके बीच में, ज्यूज और क्रिस्टियंस के बीच में, नंबर वन पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी दिखाना चाहते हैं शाइलॉक कैरेक्टर के माध्यम से कि जितने भी ज्यूज हैं उनका नेचर कॉमन है, वे जो है बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन वे लोगों को पैसा उधार तो देते हैं लेकिन भारी भरकम ब्याज पर देते हैं, और यह जो ब्याज है यह एक तरह से शोषण की प्रक्रिया, इसका मतलब जो ज्यूज हैं दे आर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल। सो व्हाट आई वांट टू से कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेंडिंग मनी ऑन हैवी इंटरेस्ट, ये क्या है, इज द सिंबल ऑफ एक्सप्लाइटेशन, एक्सप्लाइटेशन TATION, इट हैज बीन शोन थ्रू द कैरेक्टर ऑफ, TROUGH, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ, इट हैज बीन शोन थ्रू द कैरेक्टर ऑफ, थ्रू द कैरेक्टर ऑफ शाइलॉक। मैंने आपको यही बताया कि शेक्सपियर का शायद इरादा ये है कि शाइलॉक जो ज्यूज कम्युनिटी से आते हैं वह लोगों को पैसा उधार देते हैं भारी भरकम सूद पर, ब्याज पर, तो वह बिजनेस नहीं है बल्कि बिजनेस के नाम पर एक्सप्लाइटेशन का एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, शायद जो है वह इसको दिखाना चाहते हैं, नंबर वन पॉइंट। उसके अलावा आपको एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, नंबर फिफ्थ पॉइंट, की शाइलॉक इज नॉट एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैरेक्टर बट टाइप, शाइलॉक इज नॉट एन इंडिविजुअल कैरेक्टर बट टाइप। ये मैं आपको पहले भी इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर के बारे में बता चुका हूं कि जो शाइलॉक है वह इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि वह टाइप है, वह क्या करते हैं, शाइलॉक इज रिप्रेजेंटिंग अ सोसाइटी एंड 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 व्हाट इज दैट कम्युनिटी, दैट इज ज्यूज कम्युनिटी। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट,
शाइलॉक इज रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी दैट ज्यूज। ऐसा तो नहीं आप लोग सब कुछ लिख तो ले रहे हैं, मैं जल्दी तो नहीं कर रहा हूं। ठीक है ठीक, क्योंकि जी जी मैडम जी, ठीक है ठीक है, वही मुझे भी थोड़ा सा लगा, तो मैं आपसे और फिर आप लोगों से फीडबैक ले ले रहा हूँ, कोई बात नहीं है। और बहुत जल्दी बहुत सारे पॉइंट बहुत पूरे हो जाएंगे बहुत आराम से, क्योंकि आप इसको पहले भी पढ़े हुए हैं, लेकिन ये जो पॉइंट बता रहे हैं शायद यहाँ तक डिस्कशन नहीं हुआ होगा पहले क्लास में कभी, इसलिए हम लोग इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बात कर रहे हैं कि शाइलॉक, हाँ शाइलॉक जो है वह कैसे करेक्टर है, वह जो है टाइप कैरेक्टर है, और वह एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और शायला के माध्यम से यह दिखाया जाता है कि उस कम्युनिटी के सारे लोग ऐसे, प्रोबेबली शायद ऐसा दिखाने का प्रयास है। आज भी आप देखेंगे जब मैं अभी आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था तो उसमें आया था ही इज अ शायलाक, तो शायलाक जो हो गया इसका मतलब कोई भी आदमी जो पैसा जो है उधार लोगों को देता है लेकिन उस पे भारी भरकम ब्याज लगा देता है, सूद पे देता है, और उस प्रक्रिया में वह लोगों का गरीबों का शोषण करता है, तो उन सारे लोगों को शायला के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह की चीजें आप देखेंगे। दूसरी तरफ एक और, अभी मैं कोई कैरेक्टर पे बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये थीम से रिलेटेड बातें, तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात आ जा रही है। एक और है जिसका नाम क्या है, एंटोनियो। और हमें ये पता है कि जो एंटोनियो है, या एंटोनियो क्या है कि ही इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसमें इंडिविजुअलिटी भी है और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वह जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वह कौन सी है, वह क्रिश्चियंस है, वह भी जो है बहुत बड़े व्यापारी है, और इक्वल टू हुम, इक्वल टू शायलॉक, ही इज अ वेल नोन क्रिश्चियन मर्चेंट, ही इज अ वेल नोन क्रिस्टियन मर्चेंट, CHRISTIAN, ही इज अ वेल नोन क्रिस्टियन मर्चेंट। वह जो है जो क्रिस्टियन मर्चेंट, वेल नोन क्रिस्टियन मर्चेंट है, और वो जो है कहीं ना कहीं ही इज रिप्रेजेंटिंग क्रिस्टियन कम्युनिटी, ही इज अ वेल नोन क्रिस्टियन मर्चेंट रिप्रेजेंटिंग क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पुअर पीपल। दो तरह का नेचर दिखाया गया है। एक और पॉइंट आप यहाँ लिखिएगा, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल, द पीपल, ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पीपल, बाई गिविंग मनी बाई गिविंग मनी, वो रुपया लोगों को तो देते हैं बट विदाउट एनी एनी इंटरेस्ट, वो लोगों को पैसा जो है बहुत ज्यादा ब्याज पर, इस तरह का उनका नेचर नहीं रहा है। तो वो जो है एक ऐसे है कि शेक्सपियर ने दो कैरेक्टर हमारे सामने लाके रखा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में दोनों बड़े सौदागर हैं, एक सौदागर आपका शाइलाक हो गया, दूसरा सौदागर आपका एंटोनियो हो गए, एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से आ रहे हैं, दूसरे आपके ज्यूज कम्युनिटी से आ रहे हैं, और इन्होंने जो है इन दोनों कम्युनिटी के नेचर को, दोनों कम्युनिटी के नेचर को दो कैरेक्टर के माध्यम से दिखा दिया है। ज्यूज आपका किसको के माध्यम से, शायला के माध्यम से, एंटोनियो किसके माध्यम से, क्रिश्चियन मतलब जो क्रिश्चियन है वे किसके माध्यम से, एंटोनियो के माध्यम से, एक पैसा ब्याज पे देता हैवी इंटरेस्ट पे देता है, दूसरा क्या कर रहा है कि पैसा जो है लोगों को ऐसे ही दे रहा, हेल्प कर रहा है, जैसे हम देख सकते हैं इन द केस ऑफ बैसानियो, बैसानियो के केस में अभी जब हम लोग बात करेंगे कि कैसे वो बैसानियों की हेल्प करते हैं।
तो जब दो अपोजिट नेचर होगा समाज में कि एक आदमी पैसा जो है भारी भरकम ब्याज पे देता है, दूसरा कहता नहीं मैं ब्याज पे नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही लोगों की मदद करूंगा, तो जब ये दो अपोजिट नेचर या कंट्रास्टिंग नेचर एक जगह पे पाएंगे तो टकराहट होना संभव है। और यही स्टोरी की खासियत होती है कि जब स्टोरी को इस तरह से पिरोया जाता है कि शुरू में ये दिखाना है, बीच में ये दिखाना है, लास्ट में ये दिखाना, तभी वह प्लॉट बन जाता है। अब आपके सामने पता है कि आपके सामने जो एक्शन है यह एक्शन दो तरह से चल रहा है, और इस एक्शन में एक जगह जरूर होगा जहां पर ये एक्शन क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होगा। एक्शन आपका क्या है? एक्शन ये कि दो कैरेक्टर हैं और ये दोनों कैरेक्टर कौन से हैं, दोनों के दोनों जो है दोनों के नेचर में कंट्रास्ट है, जहां कंट्रास्ट होगा वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक एक उसको रोकेगा एक उसको नहीं रोकेगा। सो ये चीजें आपको माइंड मेकअप करना, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद आपको एक और चीज मैं यहाँ बताना चाहता हूँ जो शायद बहुत ही डिटेल में जाने पर या अगर आप कुछ लोगों से बात करेंगे तो वो इस चीज पर एग्री होंगे। एक और जो पॉइंट दिखाया गया जो सेवन्थ अगर पॉइंट हो या एट्थ पॉइंट हो, देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वियर थियरी, QUER, क्वियर थियरी इन द प्ले, THEOR, क्वियर थियरी इन द प्ले। ऐसा देखा जाता है कि प्ले में कुछ हद तक क्वियर थियरी का भी कॉन्सेप्ट है। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वियर थियरी इन द प्ले। प्ले में यू विल कम टू नो कि कॉन्सेप्ट और दिखाया गया, वह कॉन्सेप्ट क्या दिखाया गया, क्वियर थियरी का दिखाया गया है। देयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वियर थियरी इन द प्ले। नाउ यू विल कम टू नो कि व्हाट इज क्वियर थियरी। क्वियर थियरी एक ऐसी थियरी है जो कि किस पर बात करती है, जो कि LGBT पर बात करती है। क्वियरिंग, क्वियरिंग का मतलब कि जो बाइनरी कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर है वह उसको अगेंस्ट में है, और वह जो है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, उन सबको बात करती है। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद जो है एंटोनियो के बीच में और बैसानियों के बीच में किसी ना किसी तरह का रिलेशनशिप है जो नेचुरल रिलेशनशिप नहीं माना जाता है, वरना एंटोनिया अपनी जो है दांव क्यों शायला के लिए अपनी जान, बैसानियों के लिए अपनी जान क्यों खतरे में डालता है। तो जो क्वियरिंग है वे इसको इस नजर से भी देखते हैं कि मीन्स अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड मेल को लेकर के जो है, जिसको हम होमोसेक्सुअलिटी का नाम देते हैं। तो एक एक एस्पेक्ट ये इस पर भी डिस्कशन किया गया, जो मेरा अपना कहना है कि शायद आपको इसके पहले ये डिस्कशन नहीं आया होगा, लेकिन जब से ये थियरी आई है तब से लोग इसको अप्लाई करते हैं और वो कहते हैं कि परहैप्स देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन बैसानियो एंड एंटोनियो, या इस नजर से भी लोगों को ने देखने की कोशिश। मैं बार बार वर्ड परहैप्स यूज कर रहा हूँ, यह भी एक डायमेंशन है। तो अगर कभी ऐसा कुछ आता है कि शेक्सपियर के किस प्ले में क्वियर थियरी जो है अप्लाई किया जा सकता है, तो वह जो अप्लाई करने की बात है वह कहाँ पर है, वह आपका यहाँ पर है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। किसके रिलेशनशिप में, या लेट मी कंप्लीट, गिव मी ओनली 1 मिनट, गिव मी ओनली 1 मिनट, हाँ गिव मी। तो आई वॉज जस्ट सेइंग कि इफ द क्वेश्चन कम्स कि किसके बीच में, देन रिमेम्बर दैट दैट वाज द बैसानियो एंड एंटोनियो। नाउ आई थिंक कि परहैप्स राजेश जी सेइंग समथिंग, या राजेश जी या कोई जो लोग भी है, बिकॉज आई डिडेंट गेट। अब आप कह सकते हैं, या देवेश जी, जी, देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट की वर्ड्स थिंकिंग, या व्हेन वी से कि सच अ टाइप ऑफ थिंकिंग, अनडाउटली वो चीजें हैं, लेकिन व्हेन यू से कि दिस इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग, तो अनडाउटली इन आवर सोसाइटी देर आर द टू टाइप्स ऑफ विजन और थॉट, वन हु सपोर्ट्स इट, वन हु इज अगेंस्ट इट। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल सेक्स, या व्हेन वी टॉक अबाउट सच अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप दैट ऑकर्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, देन फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव दैट इज अ वर्स थिंग। बट व्हेन यू विल कम टू नो देयर इज अनदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, दोज हु सेज दैट कि व्हाई आर यू गोइंग टू बाइंड, मीन्स व्हाई यू आर गोइंग टू जस्ट इस्टेब्लिश अ वॉल ऑफ सेक्स बिटवीन मेल एंड फीमेल, सच अ थिंग। तब वो चीजें जो है क्या होती हैं कि वो अपना दायरा तोड़ती हैं, और इसका जो एस्पेक्ट है, चूंकि
एक बड़ा चीज है और थोड़ा सा इसके लिए एक वाइड डिस्कशन की जरूरत होती है। तो बहुत अभी इस क्लास में मैं इस पे बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो है उसका एक पूरा थियरी है। और आपको याद होगा कि अभी हाल ही में 2017 का वर्डिक्ट आया हुआ था, जिसमें पहले इसको क्रिमिनलाइज किया गया था, लेकिन अब इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है कि इफ द टू यंग आर, इफ दे हैव द कंसेंट, इफ दे आर डूइंग दीज थिंग्स इन अ वॉल मीन्स इन अ रूम, देन देर शुड बी नो प्रॉब्लम टू सोसाइटी। इफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू अकर इन 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 सोसाइटी आर ऑन रोड, देन वी हैव टू रेज क्वेश्चन, वी हैव टू आस्क क्वेश्चन। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया, जिसपे बहुत सारी बातें हैं जिसपे की जा सकती हैं, लेकिन बट इस क्लास में वो नहीं है। बाकी क्या गलत है क्या सही है, डिस्कशन के बाद ही चीजें की जा सकती हैं। हाँ या वी कैन डिस्कस इट, एंड इट्स द पार्ट ऑफ इट्स द इमर्जिंग इशू। एंड यू विल कम टू नो कि आज जो लोग इंग्लिश लिटरेचर लिए हुए हैं, जब वो जो है जाएंगे एमए फाइनल ईयर का, कभी भी कहीं पे अच्छी यूनिवर्सिटी से करेंगे, तो उसमें पूरा क्वियर थियरी एक पूरा सेक्शन है। और वो क्वियर थियरी 1980 में आता है, वो 80 के बाद, जैसे फेमिनिज्म आपने पढ़ा तो स्त्रीवादी आंदोलन चला, लोगों ने अपने अधिकारों की बात स्त्रियों ने ली, महिला सशक्तिकरण की बात की, ऐसी क्वियर थियरी है जो कि एक ऐसी थियरी है जो किसकी आवाज उठाती है, लेस्बियन की, गे की, बाइसेक्सुअल की, ट्रांसजेंडर की। तो वह एक दूसरा सेक्शन हो जाता है जो 1980 में अमेरिका से शुरू होता है, वहां पे बहुत पहले बातें होती है, लेकिन इंडिया में अब आजकल ये बातें ज्यादा होने लगी है। तो कुछ लोगों ने इस पर्सपेक्टिव से भी, अब वहां पे क्या था, लेकिन देखिए जब थियरी आती है तो एक ड्रामा को, मैंने बताया कि जो ड्रामेटिस्ट ने लिखा है वो भी नहीं समझता होगा कि इस ड्रामा को इस लेवल पे भी लोग कल जाके एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जब जो है हैमलेट आया था, तो हैमलेट आपका कब आया था, हैमलेट आपका 1602 में आया था, लेकिन हैमलेट को कभी शेक्सपियर ने ये नहीं सोचा होगा कि इसको जो है मदर फिक्सेशन और फादर फिक्सेशन के नाम से भी जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर आपको याद होगा वो जो थियरी है साइको एनालिटिक थियरी फ्रायड और यूंग का, तो राइटर जो होता है वो लिख करके चला जाता है, लेकिन लिखने के बाद जो क्रिटिक होते हैं, जो आलोचक होते हैं, उसको इतने डायमेंशन से देखते हैं कि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। और उसी डायमेंशन का एक हिस्सा यहाँ पर भी है, जो मैंने बताया कि शायद आपके माइंड में भी ये पहली बार हो रहा होगा कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस में इस तरह का सब्जेक्ट मैटर, तो मैंने कभी पहले नहीं सुना कि इस पे ये भी अप्लाई किया जा रहा होगा। आई थिंक कि ऐसा भी हो सकता है। तो या जी गजेंद्र जी, देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट सोर्स, तो अनडाउटली उसका जो सोर्स है उसमें कहीं ना कहीं है कि एक तो उसका आईएल पिकोरोनो करके एक किताब रही है, वहां से आई हुई है, लेकिन वो सब जो सोर्स वगैरह था वो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सबसे ऑथेंटिक सोर्स क्रिस्टोफर मार्लो का ज्यू ऑफ माल्टा रहा है, और ज्यू ऑफ माल्टा को ही एक सोर्स माना जाता है जहां पर ये चीज रही है उसमें जो है। बाकी और भी दूसरी लैंग्वेज में रही, लेकिन दूसरी लैंग्वेज को बहुत ज्यादा चीजें नहीं, देखिए जब भी कोर्स में पूछा गया कि एज यू लाइक इट का सोर्स क्या था, तो एज यू लाइक इट का सोर्स रोजालिन को माना गया। इसके अलावा अगर आपको याद होगा हैमलेट का सोर्स किसको माना गया, टॉमस किट का स्पेनिश ट्रेजिडी माना गया, ऐसे ही जो इसका सोर्स रहा है यू विल कम टू नो कि मार्लोस का ज्यू ऑफ माल्टा रहा है। तो अभी तो हम लोग चूंकि इस पर बात कर रहे हैं कि किन किन डायमेंशन से हम प्ले को समझ सकते हैं, अभी हमारा पूरा फोकस उस पर था, तो ये सारे डायमेंशन थे जहां पे हम उसको समझ सकते हैं। तो आई थिंक कि मुझे और आगे चलना चाहिए अब जो है। अब आपको ध्यान में रखना है कि इसका और क्या क्या चीज रही है। इसके अलावा कल ही मैंने आपको बता दिया था कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है उसमें और क्या क्या चीज होता है, देर इज इसमें भी वो सारे पॉइंट्स आपको नोट करना है। 8th पॉइंट में लव है, मैरिज है, म्यूजिक है, रोमांस है, एंड इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, इसको आप नकार नहीं सकते, ये सारी की सारी चीजें हैं। यू विल गेट द पॉइंट की दैट हियर इज वॉट, हियर इज लव, हियर इज मैरिज, हियर इज म्यूजिक, हियर इज रोमांस, एंड हियर इज इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू रिमेम्बर।
दूसरा सबसे बड़ा चीज कि मैंने कहा था कि जो इनकी कॉमेडी होती है वह हीरोइन ओरिएंटेड होती, सॉरी फीमेल ओरिएंटेड होती है, उसमें मेल उतना रोल अदा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पोर्सिया के कैरेक्टर के आगे बैसानियो का कैरेक्टर जो है वह जो है दब जाता है। अब आप कहेंगे सर अगर पोर्सिया कैरेक्टर है तो क्या एंटोनियो जो है एंटोनियो उनसे आगे नहीं निकल जाते? नहीं, पोर्सिया से आगे एंटोनियो नहीं निकल जाते, क्योंकि इसलिए नहीं निकल जाते कि एंटोनियो की भी जिंदगी जो बचाती है पोर्सिया बचाती है। हर जगह एंटोनियो एक गॉड गॉड फादर का काम करते हैं बैसानियों के लिए या किसी और के लिए, कि बैसानियों के वो गॉड फादर हो सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि एंटोनियो का कैरेक्टर, मेरी अपनी नजर में कि एंटोनियो का कैरेक्टर उनसे बेहतर हो सकता है या उससे बड़ा कैरेक्टर। एंटोनियो को इसलिए रखा गया कि उसी के समकक्ष जो है शायलाक है, तो शायलाक भी एजेड है और एक तरह से जो है एक ऐसी जनरेशन से है जो कि थोड़ा सा मेच्योर है, तो उसी के पैरलर एक दूसरा कैरेक्टर रखना जरूरी था, इसलिए एंटोनियो वर्सेस शायलाक चलेगा। लेकिन जब आप बात करेंगे बैसानियो वर्सेस पोर्सिया, तो पोर्सिया के कैरेक्टर के आगे बैसानियो कहीं नहीं टिकते हैं। तो जो पॉइंट मैंने आपको बताया था कि शेक्सपियर की कॉमेडी में हीरोइन इंपॉर्टेंट है, हीरो इंपॉर्टेंट नहीं, फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी है, तो यू विल गेट दीज पॉइंट्स। दूसरा चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा का पूरा जो प्ले है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीन है जिसको आप 4 एपिसोड में बांटा गया है। तो रिमेम्बर दैट कि नेक्स्ट पॉइंट जो 10th होगा, द प्ले इज डिवाइडेड, द प्ले इज डिवाइडेड इंटू 4 एपिसोड्स। यह जो 4 एपिसोड्स है, एक एपिसोड है द बॉन्ड स्टोरी, द फर्स्ट एपिसोड इज द बॉन्ड स्टोरी, द सेकेंड इज द कास्केट स्टोरी, द थर्ड इज द ट्रायल सीन, द ट्रायल सीन एंड द फोर्थ इज द रिंग एपिसोड। सो रिमेम्बर दैट कि ये चारों चीजें आपको ध्यान में रखना। जैसे जब मैं आपको मैकबेथ पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मैकबेथ में पोर्टर सीन है, मैकबेथ में ग्रे क्या कहते हैं कि डैगर सीन है, मैकबेथ में आपका बैंकेट सीन है, मैकबेथ में आपका स्लीप वॉकिंग सीन है, ऐसे ही आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स हैं जो हमें और आपको कवर करना है, जहां पे हम आप इसे वो नहीं कर सकते हैं। मतलब जब भी आप ड्रामा की स्टोरी पढ़िएगा तो ड्रामा की स्टोरी, क्योंकि अब मुझे बार बार बताना नहीं, ऑलरेडी यू हैव गॉन, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप उसे पढ़ चुके हैं, उसमें कोई ऐसी पॉइंट नहीं है, आप उसको जब डिस्कस करेंगे देखेंगे तो ये सारे सीन्स वहां पर आएंगे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी गजेंद्र जी पूछ रहे थे कि उसका सोर्स, तो आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इसके सोर्स की बात करिएगा तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है क्रिस्टोफर मार्लो का द जीव ऑफ माल्टा, CHRISTOPHER, क्रिस्टोफर मार्लोस, क्रिस्टोफर्स का ही लिखेगा, जीव ऑफ माल्टा, जीव ऑफ माल्टा। यू विल कम टू नो कि क्रिस्टोफर मार्लो जो है उनका जीव ऑफ माल्टा है। सो दीज थिंग्स यू विल गेट। जीव ऑफ माल्टा में भी कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो है लेकर के रखे गए हैं वहां पर। और इसके अलावा जो है अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स को लेकर के, CHARACTERS, कैरेक्टर्स में हमें पता है कि एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एंटोनियो है। एंटोनियो के बारे में सबसे पहला चीज आपको ध्यान में रखना है कि गॉड फादर ऑफ बैसानियो, बैसानियो के गॉड फादर हैं।
दूसरा, इसके अलावा गॉडफादर ऑफ बैसानियो के अलावा जो है, ही इज एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, फुल स्टॉप वहां कर दीजिएगा, ही इज सॉरी प्रोटेगोनिस्ट, PROTAGONIST, HE इज प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द प्ले। वो प्ले के एक सेंट्रल कैरेक्टर है जिनके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। बाकी मैंने आपको ये लिखवा दिया, लिखवा क्या, फिर से आप लिखिए, ही बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, एंड इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प एंड इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पुअर पीपल। एंड इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पुअर पीपल। सो आपको जब भी इतना ध्यान में रखना है कि गॉड फादर, ये वर्ड ध्यान में रखना, किसके गॉड फादर हैं, बैसानियों के गॉड फादर हैं, और ये आपको पता है कि वो वेनिस के बड़े सौदागरों में से एक हैं, और इसके अलावा किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और वो ऑलवेज रेडी हैं टू हेल्प द पीपल। एक पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, जो यहीं पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा इसी के अगेंस्ट में, शाइलॉक। व्हेन वी टॉक अबाउट शाइलॉक देन रिमेम्बर दैट कि शाइलॉक के लिए हमें जो ध्यान में वर्ड जो रखना है, दैट इज वर्ड की फादर ऑफ जेसिका, जेसिका कामा एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले, एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले एंटागोनिस्ट ऑफ द प्ले ही बिलोंग्स टू ज्यूस कम्युनिटी, JEWS, ज्यूस कम्युनिटी। बाकी बार बार बताने की जरूरत नहीं, गिव्स मनी, लेंड्स मनी ऑन हैवी इंटरेस्ट टू पीपल, नो नॉट एट ऑल, इतना चीजें। इन द एंड ऑफ द प्ले ही डाइज, इन द एंड ऑफ द प्ले ही डाइज ही इज अब्यूज्ड बाई एंटोनियो, ही इज अब्यूज्ड, ABUSED, ही इज अब्यूज्ड बाई एंटोनियो, ही इज अब्यूज्ड बाई एंटोनियो ऑन एट एट पब्लिक प्लेस। जो एंटोनियो है वह उनको क्या करते हैं कि पब्लिक प्लेस पर एब्यूज करते हैं, और कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ गालियां देते हैं उनको, और इवन उनके ऊपर स्पिट भी कर देते हैं, थूक भी देते हैं। ये चीजें जो है नजर आती हैं, केवल इसलिए कि वो जो है लोगों का शोषण करते हैं, या पैसा जो है भारी भरकम पैसा लोगों को देते हैं उधार पर। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि जब आप इन सब चीजों पर जाइए तो अपनी नजरें आप दौड़ाइए कि जो एक आदमी का कैरेक्टर है उसमें क्या क्या पॉइंट्स आपको नजर आ रहा है। वो चीजें समेराइज जब आप किए रहेंगे तो ये पहली बात तो डॉक्टर की नाम का नाम क्या है, जेसिका है, किस कम्युनिटी से बिलोंग, क्या चीज शायला, तो शायला के बारे में तो बात चल रही है।
नहीं, मैं जो अभी लिखा हूँ कैरेक्टर, वो मैं एंटोनियो नहीं, मैंने शायलाक लिखा है, शायलाक को ही लेकर के बात कर रहा हूँ। और मैंने ये कहा नहीं, मैंने कहा कि शायलाक को जो है एब्यूज किया जाता है, और एब्यूज कौन करता है, एंटोनियो एब्यूज करते हैं पब्लिक प्लेस पर, और उनके ऊपर जो है एंटोनियो क्या करते हैं, थूकते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, कम्युनल हेटेड फीलिंग के तहत उनको एब्यूज किया जाता है। तो मैं उसकी बात, जब मैं एक कैरेक्टर को लिख दिया कि उसके पॉइंट्स हैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पॉइंट आपको कहाँ पे नजर आता है, दोनों के बीच में शत्रुता क्यों है, वाई देर इज अ इनमिटी या हॉस्टिलिटी बिटवीन एंटोनियो एंड शायलाक। तो उसका शत्रुता का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो शाइलॉक है वो पैसा लोगों को उधार देते हैं, लेकिन भारी भरकम ब्याज पर उस पे इंटरेस्ट लगा देते हैं। तो उसकी वजह से जो है एंटोनियो की ये चीज अच्छी नहीं लगती, और वह उनके रास्ते में ऐसा लगता है रोड़ा बनते हैं, और एक अवसर ऐसा आता है कि दोनों में काफी तू तू मैं मैं होती है, और एंटोनियो उनको एब्यूज करते हैं, गाली गलौज उनके साथ करते हैं या कुछ उल्टा पुल्टा शब्द कहते हैं जो भी। तो इस तरह का चीजें हमें ध्यान में रखना है। और मैंने आपको बताया कि इन द एंड ऑफ द प्ले आप देखेंगे तो प्ले के अंत में जो मौत होती है वह किसकी मौत होती है, शायलाक की होती है, और शायलाक की जो मौत हुई है यह नेचुरल है, लेकिन शॉक की वजह से हुई है। शॉक क्या था, शॉक ये था कि एक तो वो जो है एंटोनियो से बदला नहीं ले पाते, वह मुकदमा हार जाते हैं, दूसरा इनकी जो बेटी जेसिका है वह जो है लॉरेंजो नाम के क्रिश्चियंस के साथ जो है भाग जाती है, तो इनका जितना पैसा वैसा ये सब इकट्ठा किए रहते हैं। तो ये जो स्टोरी का जो हिस्सा है, वह स्टोरी का हिस्सा वो कैरेक्टर में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो एक कैरेक्टर है, केवल ऐसा नहीं कि आपके माइंड में ये रहे कि वो व्यापारी है, व्यापारी के साथ साथ एक लड़की का फादर है, दूसरा चीज उसकी भी जो लाइफ है एक ऐसी लाइफ है जो और आदमी की लाइफ होती है, उसको भी खाना पानी दाना सबकी जरूरत है, उसके भी रिलेशनशिप है समाज में, उसकी भी एक इज्जत है, लेकिन उसकी इज्जत उस समय दांव पर लग जाती है जब जो है क्या होते हैं एंटोनियो उसको पब्लिक प्लेस पर एब्यूज करते हैं, और एब्यूज उसकी उनकी हरकत की वजह से करते हैं कि तुम ऐसा करते हो, तुम पैसा जो है लोगों को उधार पे देते हो, शोषण करते हो। तो उसके बाद क्या होता है, उसके दिमाग में ये हमेशा बैठ जाता है कि मुझे इस आदमी से बदला लेना है, और बदले की आग में वह जलता रहता है। एक मौका मिलता है जब बैसानियों की शादी होनी है, और बैसानियो शादी के लिए जो है क्या करता है कि शायद एंटोनियो के पास जाते हैं, कहते हैं पैसा मुझे चाहिए, तो एंटोनियो कहते हैं मेरे पास अभी पैसा नहीं, तुम जो है वेनिस के किसी मर्चेंट से जा करके पैसा ले लो। उसके बाद की पूरी कहानी आपको पता है कि वो कैसे शायलाक के पास जाते हैं, तो शायलाक जो है बैसानियों से कहते हैं मैं पैसा ऐसे नहीं दूंगा, और तुम जो है क्या करो कि इस बॉन्ड पेपर पर जो है पूरा सिग्नेचर कराओ एंटोनियो से, और अगर वो मेरा पैसा इतने दिन में वापस नहीं करता है तो मैं उसके शरीर से इतना पाउंड गोश्त जो है लूंगा। एक बॉन्ड पेपर पे जो है, चूंकि हॉस्टिलिटी चलती रहती है, उसके बाद जो उस पे सिग्नेचर हो जाता है, सिग्नेचर के बाद हमें ये पता चलता है कि एंटोनियो भी बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जहाज जो है समय पे वापस नहीं आ पाती, समुद्र में डूब जाती है, समुद्री तूफान में क्रैश हो जाता है कहीं पे, तो वो जो है क्या करता है टाइम से पैसा वापस नहीं कर पाते। जब टाइम से पैसा वापस नहीं कर पाते हैं तो उनको शायलाक जो है कोर्ट में खींच ले जाते हैं, फिर आपको कोर्ट में पूरा पता है कि कैसे पोर्सी आती है डिस्गाइज फॉर्म में, कैसे रिक्वेस्ट करती है कि आप इनके ऊपर दया दिखाइए, वहीं पर ही वो सॉनेट आता है, मर्सी नाम का सॉनेट, मर्सी नाम का सॉनेट उसी कोर्ट सीन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी जो है क्या करता है कि शायलाक नहीं मानता, कहता नहीं मैं बदला लेके रहूंगा, तो पोर्सिया एडवोकेसी का अपना तरीका अपनाती है, पूरा दलील देती है और कहती है आपने सब कुछ तो कहा है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि आपको जितना गोश्त आपने कहा उतना ही कटना चाहिए, ना उससे कम हो ना उससे ज्यादा हो, और शरीर से ब्लड नहीं निकलना चाहिए क्योंकि इसमें ब्लड की बात नहीं कही गई है, तो वह एक दलील देती है। अब ऐसा कौन आदमी होगा कि वो जब गोश्त काटेगा तो किसी का ब्लड नहीं निकलेगा, या ऐसा कौन हो सकता है कि जितना कहा हुआ है एक बार में उतना ही कटेगा, उससे कम और ज्यादा नहीं हो सकता, तराजू लेके तो कोई गोश्त काटता नहीं वहां पे बैठा हुआ है। तो इस वजह से वह क्या होता है कि केस को हार जाता है, और इधर पता ये चलती है कि उसकी बेटी जेसिका जो है एक जो नौकर लॉरेंजो नाम का था, क्रिश्चियन नौकर था, उसके साथ जो है इलोप कर जाती है, और उनका पूरा
जो पैसा वैसा था वो सब लेकर के चली जाती है। तो ये सारे शौक की वजह से शायलाक में जो है डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। और हम देखते हैं जब वह बाहर निकलते हैं उसके बिहेवियर को, तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंकते हैं। तो जिस लेवल पे शेक्सपियर ने इसको ले जाके दिखाने की कोशिश की है, ऐसा लगता है जैसे शेक्सपियर के माइंड में खुद ज्यूस के प्रति थोड़ा सा ईर्ष्या रही है। कारण है कि वो चाहते तो इसको और सॉफ्ट दिखा सकते थे, क्योंकि सारे कैरेक्टर तो शेक्सपियर के दिमाग की उपज है, सारे कैरेक्टर शेक्सपियर की वो चल रहे हैं। लेकिन जिस लेवल पे ले जाकर के ज्यूस कम्युनिटी के इस कैरेक्टर को खड़ा किया गया, जैसे उसकी डेथ को दिखाया गया, जैसे दिखाया गया कि पागल हो जाता है, बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, तो ये पार्टिकुलर चीज, चूंकि वह इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं है, वह टाइप कैरेक्टर है जो एक कम्युनिटी का कैरेक्टर है। तो इसमें ऐसा लगता है कि शायद एक हैट्रेड फीलिंग उस समय बहुत शबाब पे थी, अपने उरूज पर थी, वह किसके बीच में थी, क्रिश्चियंस और ज्यूस के बीच में थी। तो ये एक सिचुएशन है जिससे आप भी वाकिफ हैं, जिससे मैं भी वाकिफ हूँ, और जो मैं शायद इस कैरेक्टर के माध्यम से, शाइलाक और एंटोनियो के माध्यम से आपको मैंने बताया। उसके अलावा जो है एक और जिस कैरेक्टर पर मैं बात करूंगा एक एक लाइन में, दैट इज पोर्सिया, हीरोइन ऑफ द प्ले, हीरोइन ऑफ द प्ले, बिलव्ड ऑफ बैसानियो। हीरोइन ऑफ द प्ले, बिलव्ड ऑफ बैसानियो, या आप कह सकते हैं वाइफ ऑफ बैसानियो, बिलव्ड के साथ साथ उनकी वाइफ भी हुई है। उसके अलावा जो है आपको ये पता है ही है कि वह जो है किसका रोल प्ले करती है, शी प्लेज द रोल ऑफ एन एडवोकेट इन डिसगाइज फॉर्म, ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा। शी प्लेज द रोल ऑफ एडवोकेट इन डिसगाइज फॉर्म। इसके अलावा आपको कुछ और भी चीजें ध्यान में रखनी है। शी सेव द लाइफ ऑफ एंटोनियो, जेसिका है, JEESSIC है, जेसिका, न्यू कैरेक्टर, डॉटर ऑफ शाइलाक, डॉटर ऑफ शाइलाक। शी इलोव्स विद अ क्रिश्चियन। लारेंजो, शी इलोव्स विद अ क्रिस्टियन लारेंजो। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टीफानो, अटेंडेंट ऑफ पोर्सिया। नेक्स्ट कैरेक्टर है ट्यूबॉल, टूबाल, स्टीफानो ये कैरेक्टर थे, टूबाल, टूबाल जो है एन अदर जीव एंड मनी लेंडर ऑफ वेनिस, एन अदर जीव, एक दूसरे जीव है, एंड मनी लेंडर, MONEY, मनी लेंडर ऑफ वेनिस। ही सजेस्ट
ही सजेस्ट शाइलॉक अबाउट क्रूवेल बांड, जो शाइलॉक ने क्रूवेल बांड तैयार कराया था एंटोनियो के खिलाफ, ये सजेशन किसका था? इन्हीं का था। ही सजेस्ट शाइलॉक अबाउट क्रूवेल बांड। नेक्स्ट कैरेक्टर है सर जूनियर लांस लॉर्ड गोब्बो। सर जूनियर लांस लॉर्ड गोब्बो। या जो है रस्टिक क्लाउन है, रस्टिक क्लाउन ये पूछा जा चुका, गोब्बो पूछा जा चुका यूजीसी नेट में भी कि किसका हिस्सा है रस्टिक क्लाउन। क्लाउन का मतलब होता है ना विदूषक ज्ञानी, जो हंसाने का काम करता है राजा के लिए जो है उसका। तो आपको ध्यान में रखना होगा यह कैरेक्टर है सर जूनियर लांस लॉर्ड गोब्बो, गोब्बो तक। और क्या है रस्टिक क्लाउन, RUSTIC, रस्टिक क्लाउन। इन्होंने क्या किया था कि ही सपोर्टेड जेसिका एंड लॉरेंजो इन इलोपिंग। ही सपोर्टेड जेसिका एंड लॉरेंजो इन इलोपिंग, इलोपिंग में इन्होंने उनका सपोर्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जो बैसानियों के दोस्त हैं, जिसका नाम है सैलानियो। सैलारिनो, सैलारिनो ग्रेसियानो। फ्रेंड्स ऑफ शायला, फ्रेंड्स ऑफ बैशानियों। फ्रेंड्स ऑफ बैशानियों, सैलानियो सैलारिनो ग्रेसियानो। फ्रेंड्स ऑफ बैसानियो और एंड एंटोनियो कर दीजिएगा, ये एक पार्टी की इधर साइड के, फ्रेंड्स ऑफ बैसानियो एंड एंटोनियो। जब जो है उसकी शादी होती है, क्या नाम है पोर्सिया की, तो उसमें चार लोग आए थे, उसका भी आप लिखिएगा, जिसका नाम है फोर सूटर्स, द फोर स्वीटर्स, SUITORS। ये जो फोर स्वीटर्स है, इसका मतलब चार लोग शादी करने के लिए आए थे। कौन कौन से लोग आए थे? पहला प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को MORACCO। दूसरा प्रिंस ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ ब्रिटेन, प्रिंस ऑफ फ्रांस, प्रिंस ऑफ फ्रांस। चौथा प्रिंस ऑफ पोनेटाइन। आप में से कोई बता सकता है कितना टाइम हुआ है इस टाइम? 9 o'clock। आई विल टेक ओनली 5 मिनट, 5 या 10 मिनट, ताकि मैं ये पूरा पोर्शन कवर कर दूं, इसके बाद कोई पॉइंट ना रह जाए। या प्रिंस ऑफ फ्रांस, प्रिंस ऑफ पोनेटाइन। ये चार उनके अपने साथी आते हैं जहां पे,
उसकी बात होती है। अब आप आइएगा इंपॉर्टेंट लाइंस पर, बहुत वैसे इसमें इंपॉर्टेंट लाइंस नहीं है लेकिन कुछ लाइनें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट हैं। इंपॉर्टेंट लाइंस, पहली इंपॉर्टेंट लाइन है, द ग्रेस ऑफ गॉड इज बेटर देन रिचेस। बैसानियो का नहीं लिखवाए तो आप लिख लीजिएगा ऑलरेडी कि बैसानियो जो है फ्रेंड ऑफ एंटोनियो है और हस्बैंड ऑफ, हाँ उसमें कोई बड़ी चीज नहीं बैसानियो का, इतना डिस्कशन पोर्सिया बैसानियो हो चुका है कि कोई उसमें वो नहीं है। बाय द वे अगर आई मिस्ड तो यू कैन नोट डाउन। जो पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सॉरी पहली इंपॉर्टेंट लाइन है, द ग्रेस ऑफ गॉड इज बेटर देन रिचेस, द ग्रेस ऑफ गॉड इज बेटर, ये पूछा जा चुका है, जो लाइन पूछी गया मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, द ग्रेस ऑफ गॉड इज बेटर देन रिचेस, जो ईश्वर की कृपा है वे धनवान से ज्यादा अच्छी होती है, ईश्वर की कृपा किसी धनवान आदमी की कृपा से ज्यादा अच्छी, द ग्रेस ऑफ गॉड इज बेटर देन 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 रिचेस देन रिचेस, ये लाइन बोली गई है। और यह जो लाइन बोली गई है ये कौन बोलता है, गब्बो बोलता है, जो क्लाउन है गब्बो। ये बात किसने कही है, गब्बो ने कही हुई है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये तो बहुत, ये तो प्रोवर्ब भी हम सारे लोगों ने सुना है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये बात जो है कौन कहती है, पोर्सिया कहती है। तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन है जो देखिए कम्युनल फीलिंग्स को कैसे दिखा रहा है कि हाँ रियली में है, आई एम अ जीव हैथ नॉट जीव आईज, हैथ नॉट जीव आईज, हैथ नॉट जीव हैंड्स, हैथ नॉट जीव हैंड्स ऑर्गन्स ईटीसी, ये बात कौन कहता है, शाइलाक टू सैलारिनो से कहता है, कहता है कि मैं एक जीव हूं, क्या जीव के आंखें नहीं होती, या जीव के हाथ नहीं होते, या और बॉडी ऑर्गन्स नहीं होते, या जीव किसी दूसरे ग्रह से आते हैं, ये बात कौन कहता है, शाइलाक कहा है, ये बात शाइलाक ने कहा है। आई एम अ जीव हैथ नॉट अ जीव आईज, हैथ नॉट अ जीव हैंड्स ऑर्गन्स ईटीसी, मैंने जल्दी इरेज कर दिया क्या, ये बात शाइलॉक ने कही हुई है। एक मैं नेक्स्ट जो है मुझे लगता है कि शायद फिफ्थ स्टेटमेंट होगा या फोर्थ होगा, एक इनडायरेक्ट वे में ये कहा गया है कि आई होल्ड द वर्ल्ड एज अ स्टेज वेयर एवरी मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आई होल्ड द वर्ल्ड एज अ स्टेज वेयर एवरी मैन
अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इरेज कर दूं? वेर एवरी मैन मस्ट प्ले हिज रोल एंड माइन असाइड वन। आई थिंक यू गॉट इट। ये बात किसने कही हुई है कि मैं दुनिया को एक स्टेज के समान देखता हूं, हर आदमी को अपना रोल प्ले करना है, लेकिन मेरे नसीब में केवल दुख दुख वाला ही रोल प्ले करना है। यह बात एंटोनियो ने कही हुई है। एंटोनियो, इट वॉज सेड बाई हुम? इट वॉज सेड बाई एंटोनियो। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, शी इज फेयर। मैडम इसके पहले वाला एंटोनियो ने, शी इज फेयर एंड फेयरर। देन मैडम अपने आप को म्यूट कर लीजिए, क्वेश्चन करने के बाद प्लीज म्यूट योर सेल्फ। शी इज फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ड ऑफ देन दैट वर्ड ऑफ वंडरस वर्चू। शी इज फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ड ऑफ वंडरस वर्चू। ये बात जो है बैसानियो कहते हैं किसके लिए, पोर्सिया के लिए, कि पोर्सिया खूबसूरत है और फेयर से भी फेयरर है, और जितना भी उसके अंदर वर्चू है वह अपने में बहुत ज्यादा है। देन दैट वर्ड ऑफ वंडरस वर्चू मतलब काफी फेयर और फेयरर है। ये बात किसने कही हुई? ये बात जो है बैसानियो कहते हैं, BAWSANIO। एक और इम्पोर्टेंट, बस 2 मिनट का समय आपका और लेंगे, एक बहुत और इम्पोर्टेंट लाइन है, मुझे लगता है कि शायद 9th नंबर पे आएगा या जो भी नंबर होगा आप करेक्ट कर लीजिएगा। आई एम नेवर मेरी वेन आई हियर स्वीट म्यूजिक, वेन आई हियर स्वीट म्यूजिक, जब भी मैं खूबसूरत संगीत को सुनता हूं मैं कभी खुश नहीं होता। आई एम नेवर मेरी वेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। ये बात किसने कही? शाइलाक ने कही है। शाइलाक, आई एम नेवर मेरी वेन आई हियर स्वीट म्यूजिक। तो इतना सारी चीजें थी, मैं जो है आप लोगों को कवर किया, मैं कोई और डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ट्रेन है बस 10 बजे की, मुझे निकलना होगा। तो और एक चीज और इन्फॉर्मेशन है कि आज भी शाम को क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं जर्नी में रहूंगा, तो आज मैं शाम को क्लास नहीं ले पाऊंगा। और मैंने जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस सुबह की क्लास में कवर किया है, कल के लिए मुझे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कल आप लोग जो है एज यू लाइक इट और 12th नाइट पढ़ लीजिएगा आज से ही। और जब ये सब चीजें मैं प्ले पूरा कर लूंगा तो ऐसा नहीं, ये तो अभी मैं प्ले क्वेश्चन वाइज वैसे मैं करा दे रहा हूँ, लेकिन फिर मैं क्या करूंगा, एक एक प्ले का आपसे स्टोरी के साथ डिस्कस करूंगा। वो मेरा
दूसरा वो मैं मेन क्लास में नहीं करूंगा, वो मैं उस क्लास में करूंगा जब आप 40 मिनट्स के लिए 50 मिनट्स के लिए खाली होंगे, उस पे मैं समय दूंगा और आपको उस समय अवेलेबल रहना पड़ेगा जब भी मुझे समय होगा। लेकिन अभी मैं क्वेश्चन से रिलेटेड, स्टोरीज से रिलेटेड जो एक फॉर्मल क्लास होती है उसमें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। मैं इनफॉर्मल क्लास में तब डिस्कस करूंगा जब खुद मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप लोगों की ड्यूटी यही उससे रिलेटेड वीडियोज, उससे रिलेटेड मूवीज, उससे रिलेटेड स्टोरीज ये आपको पढ़ना है। स्टोरी इसलिए आपको पढ़ना है कि नाउ यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ, मैं बताता हूँ कि इंटरमीडिएट के हैं कि दादा दादी की कहानी अब आपको बताई जाएगी। क्रिटिकल एनालिसिस जिस लेवल पे आप पहुंचे हुए हैं उस लेवल पे क्रिटिकल एनालिसिस टेक्स्ट की जरूरी है। उस लेवल पे मैं आपसे क्रिटिकल एनालिसिस कर सकता हूँ, मैं आपसे ये नहीं बात कर सकता हूँ कि पोर्सिया देखने में खूबसूरत है तो फिर बैसानियो जाता है उसको देखकर उसकी आंखें बहुत वो खुश होता है फिर वो उसको प्रपोज करता है, ये क्लास का मयार नहीं है। अब जो है ये तरीका जो है क्या होता है कि वो 10+2 में या बीए फर्स्ट ईयर में जब वो किताब टेक्स्ट में होती वहां पे वो करता, उतना आप उसको जान सकते हैं जब आपके पास ये सारे कैरेक्टर। क्लास का मयार आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बदलता जाता है। फिर भी मैं आपसे पर्सनली इनफॉर्मल क्लास मैंने उसका नाम दिया है, मैं उसमें आपसे वो डिस्कस करूंगा कि चीजें क्या है कैसे कुछ टेक्स्ट को लेकर के। बाकी मैं भी जल्दी में हूँ और मैं किसी का इस टाइम अब भी मैं वो नहीं ले सकता हूँ। जी गजेंद्र जी, जी जी जब व्हेन यू टॉक अबाउट रोमांटिक कॉमेडी तो अनडाउटली वो कॉमेडी शेक्सपियर की जितनी भी है वो रोमांटिक कॉमेडी है, लेकिन इस रोमांटिक कॉमेडी में चूंकि शायलाक का डेथ जो है और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज है, जो कोर्ट सीन है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो उसको जो है ट्रेजिक कॉमेडी में तब्दील कर देती हैं। अगर स्पेशली आपको कहीं पर भी ऑप्शन आता है ट्रेजिक कॉमेडी रहता है तो आपको ऑप्शन ट्रेजिक कॉमेडी मारना है, और अगर कॉमेडी ट्रेजिक कॉमेडी नहीं रहता तो केवल आपको इसको रोमांटिक कॉमेडी के रूप में लेना है क्योंकि इसमें लव भी है, म्यूजिक भी है, अफेयर भी है, सारी चीजें हैं। नहीं दोनों अगर एक जगह आता भी है तो सबसे पहले आपको ट्रेजिक कॉमेडी पे जाना है। ठीक है, वी विल मीट टुमारो। शाम को कोई क्लास नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि देयर विल बी नो क्लास इन द इवनिंग, शाम को कोई क्लास नहीं है। कृष्णा जी जो भी पूछना होगा लेट बाद में पूछे, मैंने आपसे बता दिया मेरी ट्रेन 10 बजे है तो इसलिए आपको खुद माइंड मेकअप करना चाहिए कि डोंट आस्क एनी क्वेश्चन, और मुझे भी तैयार होना, बहुत सारे काम करने, ट्रेन मेरा इंतजार नहीं करेगी, मुझे जाके इंतजार करना पड़ेगा। ड्रॉप योर मैसेज व्हाटएवर यू वांट टू से। ओके।